स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। पापा ने कहा है कि कोहरा इसकी बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, वरना कोहरे को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा अंश? अरे अंश बता ना, क्या पता चल जाएगा कोहरे को? जल्दी इसे कवर करना होगा, जल्दी करो, जल्दी। हाँ? वो आंटी राक्षस हैं? हाँ। कहाँ बात कर रहे? अब बताओ, हम तो उनको ये दूध के लाइन में खड़े होने वाली, स्वेटर बुनने वाली घरेलू महिला समझ रहे थे, और वो राक्षस निकल गई। ओह माय गॉड, हम यहाँ एक राक्षस से डील नहीं कर पा रहे थे, और बेचारी तारा वो तो वहां दो दो राक्षसों के बीच में थी। अरे यार सावी, ये डायन, कोहरा, जलजीवी राक्षस कम थे, जो ये लेडी राक्षस आके टपक पड़ी हैं। अब हम क्या करेंगे डायन? सबसे पहले तो हमें उनकी कोई ऐसी चीज चाहिए होगी जिससे हमें उनके बारे में पता चल सके। मेरे पास एक चीज है जिसे मयंक की माँ बहुत ही संभाल के रखती है। राक्षस की नहीं, अरे ये तो पत्थर है। ये हमारे किस काम आएगा? मारने के और किस काम आएगा? डायन वायन का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तभी पत्थर लो और अपने सर पे मारो। तारा एक सेकंड दिखा। पत्थर कहीं वो वाला पत्थर तो नहीं? कौन सा पत्थर? मेरा शक सही निकला, ये राक्षस काल पत्थर है। राक्षस काल पत्थर? हाँ, हर राक्षस के पास ऐसा एक पत्थर होता है जिसमें उससे जुड़े राक्षस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि राक्षस का आधार कार्ड है। शट अप नमन, डाट पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पत्थर उन दोनों में से किसका है? अरे यार सावी, तुम कैसा बात कर रही हो यार। अभी तो इन्होंने बताया कि उसकी अम्मा इसको साफ सफाई करके तिजोरी में छुपा के रखती हैं। तो उन्हीं का होगा ना, और किसका होगा? एक मिनट, ये चांद पे आके रुका, और मयंक का मतलब ही तो चांद होता है ना, तो हो सकता है कि ये पत्थर मयंक का हो। अरे सर जी, ये देखिए, ये क्या हो रहा है? इसका क्या मतलब है डैड? इसका मतलब ये पत्थर जिस भी राक्षस का है उसका अंत नजदीक है। आप कहना क्या चाहते हैं कि मयंक मरने वाला है? अरे बधाई हो सर जी। What? क्या हुआ सर जी? आप हमको पापा रंजीत जैसे काहे देख रहे हैं? अभी तो आपने कहा, अरे अभी कहा ना आपने, तो उसका मतलब तो यही है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आपके कहने के हिसाब से उसका एक्सपायरी टाइम आ चुका है, यही कहा ना आपने? He's right. नमन सही कह रहा है, और अब तो
तारा भी हमारे पास सेफ है। नहीं सभी, तारा पर जो खतरा मंडरा रहा है वो अभी टला नहीं है, इसलिए जब तक तारा कंप्लीटली सेफ नहीं हो जाती वो हमारे पास यहीं रुकेगी, पर उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है नमन। ओके सभी, तुम तारा को गेस्ट रूम में ले जाओ, मैं तब तक कोहरा लोग के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूँ। जैसा, अब चलो तारा। तारा चलो, चलो नमन। तुम ना यहाँ बैठो, आराम करो, और किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता। वैसे थैंक यू सो मच, अगर आज आप लोग नहीं आते तो पता नहीं वो राक्षस मेरे साथ क्या करता। अरे तुमने बुलाया था ना, तो हम लोग कैसे नहीं आते? मैंने बुलाया था मतलब? हाँ, तुम्हारा मैसेज आया तभी तो हम टाइम पे पहुंचे वहाँ पे। मैंने मैसेज किया था लेकिन कब? क्या बात कर रही हो, तुमने तो हमें मैसेज करके बुलाया था। हमारे पास मैसेज भी है, नमन दिखाओ। अरे ये देखिए ना, हमारे पास मैसेज आया है आपके नंबर से, ये देखिए। देखो तुम्हारा ही मैसेज है ना ये। लेकिन मैंने आप लोगों को कोई मैसेज नहीं भेजा। अगर तारा ने मैसेज नहीं किया तो फिर हमें मैसेज करके किसने बुलाया? मयंक ने, आप लोगों को जरूर मयंक ने मैसेज करके बुलाया होगा। मिल गया। मिल गई तो सर जी, जी जल्दी से देखिए इसमें कोहरा लोग के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। लिखा है, कोहरा लोग एक ऐसा लोग है जिसमें सबसे खतरनाक डायने मरने के बाद जाती हैं। अरे सर जी, अब हमारे कंचा दिमाग में ये बात स्ट्राइक किया है, ये जो कोहरा लोग है ये डायनों का नर्क है। हा? और जो हमारी डायन सीनियर है ये मरने के बाद वहां जाते जाते बीच में से यूटर्न मार के रिटर्न आ गई चीटिंग करके, तो अब कोहरा लोग वाले अपना एजेंट भेजे इनको लेके आने के लिए। इसका मतलब वो बच्चा जिससे मोहना डरी हुई थी वो कोहरा लोग का एक दूत है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सर जी हमको, कोहरा लोग वाले डायन सीनियर को पकड़ने के लिए ये बच्चा को कहां भेजे? वहां अभी भी चाइल्ड लेबर अलाउड है। वो कोई मामूली बच्चा नहीं है नमन, कोहरा लोग का जीव है वो, ये देखो। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक है सर जी। हाँ बेटा बोलो। व्हाट, गुड़िया ने कोहरा लोग के दूध को मार दिया? कब? जस्ट अभी हमें समझ नहीं आया कि उसके साथ करना क्या है, इसलिए हमने आपको फोन किया है। नहीं नहीं अंश, तुमने अच्छा किया, बल्कि मैं अभी अभी दिव्या की डायरी में कोहरा लोग के बारे में ही पढ़ रहा था। दिव्या ने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है उसके हिसाब से हमारे पास थोड़ा टाइम है, लेकिन तब तक तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा अंश। कौन सी बात पापा? सबसे पहले तो तुम उसकी बॉडी को पूरी तरह से ढक दो, ताकि जब कोहरा वहां आए तो उसकी बॉडी को छू ना पाए, वरना उसे पता चल जाएगा कि कोहरे दूध को मारा गया है। और अगर उसे इस बात की जानकारी हो गई तो ठीक है पापा, हम जल्द से जल्द उसकी बॉडी को कवर कर देते हैं। ओके। ओह नो, क्या हुआ? पापा वो लोग उसकी बॉडी को कहीं लेकर चले गए। व्हाट, मोना बता तो दो इसे कहाँ लेकर जा रही हो, क्या करने वाली हो, कुछ तो बोलो। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, निशांत जी से एक बार पूछ लेते हैं। मोना कहाँ लेकर जा रही हो, कुछ बताओगी? रुके, छोड़िए इसे, मैंने कहा छोड़िए इसे। आज क्या बात है? पता था, सबसे पहले मेरे साथ चले, अंदर चले। चलो हाँ, ये पत्थर जिस भी राक्षस का है
उसका अंत नजदीक है। तुमने तो हमें मैसेज करके बुलाया था। हमारे पास मैसेज भी है। मयंक ने सावी को मैसेज भेजा था मुझे पिक करने के लिए, लेकिन जब उन लोगों ने मुझे पिक किया था तब मयंक ने हमारा पीछा क्यों नहीं किया? इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि मयंक मुझे बचाना चाहता है, और इसीलिए उस दिन मयंक ने मुझे मेरे घर वापस जाने को भी कहा था। आगे एक बस स्टॉप है, वहां से तुम्हें बस मिलेगी जो तुम्हें घर लेके जाएगी। यूं समझ लो कि तुम आज से आजाद हो। मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो मयंक ने मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मयंक को मजबूर किया जा रहा है? Now I'm sure कि मयंक जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी मॉम के कहने पे कर रहा है, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर मयंक की मॉम मुझसे क्या चाहती है? मेरे पास ऐसा क्या है? अंशी हो क्या रहा है? हमें भी तो कुछ बता ना, कुछ बता ही नहीं रहा है तू। पापा ने कहा है कि कोहरा इसकी बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, वरना कोहरे को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा अंश? अरे अंश बता ना, क्या पता चल जाएगा कोहरे को? जल्दी इसे कवर करना होगा। जल्दी करो, जल्दी। उसका हाथ, ये इसका हाथ। हे भगवान, कोहरे ने तो इसको छू लिया, अब हम क्या करेंगे आज? पापा ने बताया था कि अगर कोहरे ने इसे छू लिया तो उसे पता चल जाएगा कि उसके दूध को मार दिया गया है। उससे क्या होगा अंश? वो और भी ऐसे दूध भेजेगा, वो भी बहुत सारे। बहुत सारे? नहीं नहीं नहीं, मैं कायन होके एक का मुकाबला नहीं कर पाई, बहुत सारे आएंगे तो हम कैसे निपटेंगे? शुक्र है भगवान का, कोहरा वापस चला गया। पला टली नहीं चाची। पला टली नहीं मतलब? ये तो शुरुआत है। शुरुआत है मतलब बेटा, तू क्या कहना चाह रहा है? I'm sure, अब कोहरा हम पे अटैक करने वाला है। इसका मतलब भाभी डायन की वजह से हम सब भी मरेंगे? हम क्या करेंगे आज? क्या करेंगे अब? मैं पापा को बुला, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ अंश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पापा। दिव्या की डायरी में लिखा हुआ है कि अगर कोहरे के दूध को मारा जाए तो कोहरा अपने और दूतों को भेजकर हमला जरूर करता है। पापा और भी तो कुछ लिखा होगा। नहीं अंश, बस उतना ही लिखा है। ये देखो कि यहाँ और फिर एक मिनट चिट्ठों पे जुड़े हुए देखे। ओह माय गॉड, ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? क्या लिखा है इसमें निशान जी? इसमें लिखा हुआ है कि कोहरे के दूत के मरने पर कोहरा अपने और दूतों को भेजकर हमला तब करता है जब वो कोहरा एक आम दूत हो।
आम दूध? अरे इन सबके बीच में मैंगो मिल्कशेक कहाँ से आ गया? चेताली, आम दूध साधारण दूध, और इसमें लिखा है कि घोड़े के कुछ दूध खास दूध होते हैं और इन्हें पहचानने का एक तरीका है, उनकी सिर्फ 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां होती हैं, और अगर घोड़े के खास दूध को मार दिया जाए तो अंजाम बहुत भयानक होता है। हमें जाके फौरन देखना चाहिए ना कि ये खास दूध है या नहीं। भगवान करे ऐसा ना। अगर हुआ तो हमें उसकी उंगलियां चेक करनी होगी। चलिए चल चलिए चल चल। तारा कहाँ है? मैं तारा भाग गई। भाग गई या तुमने भगा दिया मयंक? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नाराज तो मैं खुद से हूँ। मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि शायद मेरी ही परवरिश में कमी है कि तुम माँ से ज्यादा अपनी बीवी की फिक्र कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें कि मैं जो इतना सब कुछ कर रही हूँ वो किसके लिए कर रही हूँ? अपने लिए कर रही हूँ मयंक। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ बेटा। मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो मयंक, और तुम्हारे पास वक्त भी नहीं है, और मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा है। बस अब एक ही रास्ता है, वो राक्षस की ले तुम्हें बचा सकती है। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मेरे पास दूसरा रास्ता होता तो क्या मैं तुम्हें मजबूर करती कि तुम तारा से वो कील लो? मैं तारा को मजबूर नहीं कर सकता हूँ, और नहीं उसके साथ जबरदस्ती कर सकता। जबरदस्ती की तो बात ही नहीं आती है ना मयंक। तारा तुम्हारी बीवी है, उसका फर्ज नहीं बनता कि वो तुम्हारी जान बचाए। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता माँ, और नहीं वो शादी को मानती है। और वैसे भी अपने फायदे के लिए किसी और का इस्तेमाल करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और अपनी माँ को दुख देना पसंद है ना मयंक? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। मयंक, मैं ताम्रा नीलम बेटा, हम तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे? तुमने सोचा है कभी? तुम्हें अपनी माँ की फिक्र नहीं है ना, तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।